सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 2 अगस्त को विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत इमादपुर मोहल्ले में सुबह सुबह फल व्यवसायी से हुए 5,75,000 रुपए लूट का उद्भेदन किया है। पुलिस ने इस मामले में कई अहम खुलासे किए हैं। इस मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा करते हुए घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों को 3 हथियार, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल और लूटी गई रुपयों में 6,702 रुपयों के अलावे लूट के रुपयों से खरीदा गया जेवरात के अलावे लूटा गया पैन कार्ड एवं काला बैग के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में नालंदा जिले के विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत इमादपुर निवासी, जो खुद इस कांड के बादी हैं, मोहम्मद आलम का पुत्र आसिफ अली, लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा पर निवासी सुरेंद्र प्रसाद का पुत्र मोहित कुमार, वड़ी दरगाह तालाब पर निवासी मोहम्मद इरफान उर्फ फन्नू एवं अस्थावा थाना क्षेत्र अंतर्गत देशना गांव निवासी मोहम्मद गुड्डू का पुत्र मोहम्मद राजा शामिल है। बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि लूट की इस घटना के बाद नालंदा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा कांड का अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से किया गया और इसी कड़ी में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें यह पता चला कि इस कांड के बाद ही आसिफ अली के द्वारा ही इस घटना को साजिश के तहत कराया गया था। बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि आसिफ अली का संबंध फल व्यवसाय से जुड़े अभियुक्त मोहम्मद राजा से था, जिनको फल बेचने के लिए आसिफ के द्वारा दिया जाता था और इसी क्रम में मोहम्मद आसिफ का 2,00,000 रुपयों से अधिक बकाया मोहम्मद राजा के पास था, जिसके लिए वह हमेशा मांग करते थे और व्यवसाय में नुकसान हो जाने के कारण मोहम्मद राजा अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ था। इसी बीच मोहम्मद आसिफ के द्वारा उसे इस घटना को कारित करने के लिए कहा गया कि क्यों न अपने सहयोगियों के साथ सुबह सुबह मेरे साथ जाने वाले व्यापारी एवं मेरे बैग को छीन लिया जाए और लूटे हुए रुपयों में मिले हिस्सों से अपने कर्ज को चुकाकर मुझे दे दे। घटना के दिन अपने भाई मोहम्मद समीर के साथ टोटो से निकलने की जानकारी भी मोबाइल के माध्यम से मोहम्मद आसिफ के द्वारा गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों को दिया गया था। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और इस मामले में नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।